पूरा देश इस समय रंगों के त्योहार होली की मस्ती में सराबोर है। रंग गुलाल के इस पर्व में जहां गुजिया की मिठास है तो वहीं पापड़ का अनोखा स्वाद भी है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ना तो हम केमिकल वाले रंगों का प्रयोग करें और ना ही दूसरों पर ऐसे हानिकारक रंग डालें। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के सीएमओ ने जनपदवासियों से प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के प्रतीक होली के त्योहार को केमिकल रहित होली मनाने के रूप में की है अपील। देखिए, होली के पावन पर्व की सभी जनपदवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। होली पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सारे हमारी जो सीएससी हैं वो खुली रहेंगी, जिला अस्पताल खुला रहेगा 24/7 और हमारा जो मेडिकल का पैरामेडिकल का जो स्टाफ है उनकी सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वो लोग 24 घंटे रह के यहाँ पर किसी भी तरह की कोई आकस्मिक स्थिति होती है उससे निपटने के लिए तैयार रहेंगे। तो क्योंकि होली के समय पर बहुत सारे रंग केमिकल्स आ रहे हैं, उससे कई आँखों पर भी असर पड़ता है, आँखें खराब होने का भी खतरा रहता है और स्किन को भी नुकसान पड़ता है। बहुत अलग अलग तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, तो उससे बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां करें उसके लिए लोगों से अपील है कि वो आँखों के लिए चश्मा लगा के रखें इस तरह से कि आँख में ऐसे रंग न जाने पाएँ। और बॉडी को भी कम से कम, अगर होली खेलना है रंगों से ही खेलना है तो नेचुरल कलर्स जो आते हैं हर्बल वाले उनसे खेलें, और बाकी अपने बॉडी पे या चेहरे पे एक जो क्रीम होती है कोई भी क्रीम बोल। जी, होली का त्यौहार है, जिला अस्पताल प्रशासन के कितना तैयार है? देखिए, आगामी त्यौहारों को दृष्टि में रखते हुए शासन से जो हमें निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अनुसार हमने स्टाफ की उपलब्धता पूर्णता कर ली गई है। एमरजेंसी पूरी तरीके से तैयार है, एमरजेंसी में कुछ बेड आरक्षित भी किए गए हैं ताकि किसी भी असमंजस की स्थिति में उन बेडों का इस्तेमाल किया जा सके। और साथ ही जैसे कि शासन से आदेश प्राप्त हुए थे कि दवाइयों की उपलब्धता आप चेक कर लें, तो दवाइयों की उपलब्धता में कुछ दवाइयाँ जो कि जिसमें कि आई ड्रॉप्स शामिल हैं जो कि गुलाल से होने वाली दिक्कतों के सबसे ज़्यादा काम आता है, उसकी व्यवस्था भी पूर्णतः कर ली गई है और एक्स्ट्रा स्टॉक भी रख लिया गया है। और हमारे लोगों से यही अपील रहेगी कि केमिकल गुलाल से रंग ना खेलें, केमिकल रंग ना खेलें क्योंकि वो शरीर के लिए भी हानिकारक रहते हैं और हमें नुकसान भी पहुँचाते हैं। साथ ही कल एक लेटर प्राप्त हुआ था सीएमओ साहब की तरफ से जिसमें कि एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं, जिसमें कि एम्बुलेंस सुचारू रूप से ताकि मरीज को पहुँचने में अस्पताल दिक्कत ना हो और उसे तत्काल इलाज मिल सके।